बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरजहान लोडी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि जो लालू प्रसाद यादव वो पिछले कई दिनों से जेल में बंद है, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनका गठबंधन चुनाव जीत कर आया, सरकार भी उनकी बन गई है। इसी बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से आज ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए एक बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि जो एनआरसी और सीएए बिल है इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इस बिल से मुस्लिम समाज तो केवल वाहन है, असली निशाना दलित और पिछड़ों के ऊपर इसका होगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि मुस्लिम तो सिर्फ बहाना है, दलित पिछड़ा इसका असली निशाना है। उन्होंने कहा है कि एनआरसी और केप जैसे बिलों को लेकर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो सरकार जानवरों को गिनती करवा रही है और गधे कुत्ते तक गिनवाए जा रहे हैं, तो फिर ओबीसी और दलित समाज की जातिवार घटना या जनगणना क्यों नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि 2010 में हमने मनमोहन सिंह सरकार से आग्रह करके 2011 में जातिवार घटना करवाई भी थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन आंकड़ों को रोक लिया गया है, जनता के सामने आने नहीं दिया जा रहा है कि आखिर देश के अंदर कितनी संख्या पिछड़े यानी ओबीसी वर्ग की है। अगर इस तरीके से हो जाता है तो देश में ओबीसी समाज का राज होगा कि ओबीसी ये समझ जाएगा कि उसकी कितनी बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमारी लड़ाई हमेशा इस तरीके से लड़ी रहेगी और हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जातिवार जनगणना के लिए लड़ती रहेगी। लालू प्रसाद यादव ने एनआरसी और सीए जैसे बिलों पर अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे मुस्लिम समाज को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असल में दलित और पिछड़ों को इसका काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास किसी भी तरीके की शिक्षा और अनपढ़ दोनों ही तरीके का इनके अंदर अभाव होता है और इसका खासा असर दलितों और पिछड़ों पर देखने को मिलेगा। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।